गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक और महामुकाबला खेला गया। गुजरात टाइटंस की ताकत बल्लेबाज डेविड मिलर को गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले में एक बहुत ही बड़ा अवार्ड दिया गया। पुणे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले की शुरुआत से पहले गुजरात के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, जिसके तहत चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छी पारी खेली। अर्धशतकीय पारी के दम पर इतना बड़ा स्कोर बना पाए, जिसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम ने हैरतअंगेज तरीके से आखिरी ओवर में 3 विकेट शेष रहते हुए अपने नाम किया इस मुकाबले को। और इस रन चेज में डेविड मिलर ने सबसे ज्यादा 94 रन की पारी खेली। जहां एक तरफा लग ये रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला बड़े आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उस जीते हुए मुकाबले को चेन्नई से छीन लिया गुजरात टाइटंस के डेविड मिलर ने। और कहीं न कहीं राशिद खान ने भी जो एक छोटी सी कैमियो पारी खेली 20 गेंदों में 40 रन से भी ज्यादा, ये कहीं न कहीं इस मैच के बाद राशिद खान ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। इस मैच के दौरान गुजरात टाइटंस के कप्तान भी थे और कहीं न कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के बाद जो राशिद खान ने अंतिम ओवरों को लेकर धोनी और जडेजा को लेकर बयान दिया है, उसे सुनकर या देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। आइए जानते और आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा इस एक खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है जडेजा के फैन, धोनी के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा दिए गए लक्ष्य का 170 रन का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआती विकेट ताश के पत्तों की तरफ बिखरते चले जा रहे थे। सिर्फ 16 रन पर संयुक्त स्कोर 3 बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। ये गुजरात की पारी का सबसे संवेदनशील मोड़ था, क्योंकि टीम के रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या इस मैच में चोटिल होने के चलते बाहर थे। इस मुश्किल परिस्थिति में बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर के कंधों पर ही टीम को आगे ले जाने की पूरी जिम्मेदारी थी, जिसको बखूबी निभाते हुए मिलर ने एक छोर पर संयम से बल्लेबाजी की और मौका मिलने पर बड़ा शॉट लगाया। अंत में मिलर ने इस मैच में कप्तानी कर रहे राशिद खान का साथ भी मिला। विपरीत परिस्थितियों से निकालकर मिलर ने आखिरी ओवर में 16 रन जड़कर गुजरात टाइटंस को जीत भी दिला दी। लेकिन कहीं न कहीं जीत के बाद मिलर को चुना गया मैन ऑफ द मैच, और उसके बाद जो उन्होंने अंतिम ओवरों को लेकर खुलासा किया वो आपको हैरानी में डालेगा। तो कप्तान राशिद खान ने क्या कहा, ये जानने से पहले आइए एक छोटी सी नजर डालते हैं क्या कहा डेविड मिलर ने प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद। डेविड मिलर ने बताया कि नंबर 4 उनकी असली पोजीशन है। जी हाँ, मैं वास्तव में अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आज की पारी मुझे किंग्स 11 पंजाब के लिए खेली गई पारी की याद दिलाता है। यह एक तरफ से मेरा खेल था, गेंद को देखें और हिट करें। मैं खुद को साबित करना चाहता था, ऐसा आज हुआ भी है। मैं इससे काफी प्रभावित हूँ। हालांकि अक्सर ऐसा नहीं होता है, जब गेंद नहीं होती है तो इसे मदद मिलती है। डेविड मिलर ने आगे कहा, नंबर 4 की पोजीशन ही है जिस पर मैं अपने कैरियर में बल्लेबाजी करता आया हूं। लेकिन आज पावर प्ले में हमने कई विकेट गंवा दिए, तो मुझे अपना गेम बदलना था। मेरे ऊपर काफी दबाव था और इस दबाव से हटाने का काम राशिद ने किया। जब कोई दूसरी छोर पर रन बनाता है तो वाकई ये खास होता है। जिस ओवर में उन्होंने 20 रन निकाले वो टर्निंग पॉइंट रहा और हम मैच जीत पाए हैं। मैच को लेकर डेविड मिलर ने बात करते हुए कहा, पहले 2 गेम हमने करीबी जीत के साथ हासिल किए। हम 6 में से 5 जीतने के बजाय शायद 6 में से 4 हार सकते थे, लेकिन पासा हमारी तरफ लुढ़क गया। हमें उम्मीद है कि हम जीत के मोमेंटम को आगे भी जारी रखेंगे। दमदार अर्धशतक जड़कर प्लेयर ऑफ द मैच बने डेविड मिलर। जी हां, उन्होंने अंतिम ओवरों में कहीं न कहीं राशिद खान को श्रेय दिया कि उन्होंने एक ओवर में 20 रन निकाले जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हुए। और अंतिम ओवर 20वां ओवर जो जडेजा ने दिया था जॉर्डन को, और जॉर्डन को हम पहले भी खेल चुके थे, ऐसे में अब आसान हो गया था। अब आइए जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस के सीजन की 5वीं जीत दर्ज करी है और चेन्नई को हराकर क्या कहा कप्तान राशिद खान ने। राशिद खान ने कहा, यह जीत यादगार है, मेरी डेब्यू कप्तानी थी, मैंने बल्लेबाजी में अभी अच्छा किया, ये अच्छा लगा। हर मैच को हम अंत तक ले जाना चाहते थे। आखिरी 7 ओवर में हमें 90 रन चाहिए, तो हमें पता था कि हम ये मैच जीत सकते हैं। हमारी टीम ने काबिलियत है और हमने करके दिखाया। टीम के बल्लेबाजों की कमी पर भी उन्होंने कहा, इस टीम के खिलाफ बात हुई थी कि एक बल्लेबाज कम है, लेकिन मैं अच्छे से बल्लेबाजी कर रहा था। टीम ने मुझ पर भरोसा जताया और मैं खुश हूं कि मैंने योगदान बल्ले से भी किया। मैं मिलर से बात कर रहा था कि गेंद तेज हिट करना है। जॉर्डन की गेंदबाजी के समय मैं जिम्मेदारी लेना चाहता था। मैं सोचकर चल रहा था कि अगर 20 रन भी ओवर में आ जाते हैं तो हम मैच को जीत सकते हैं, और जैसा कि मैंने वो किया। और जॉर्डन के ओवर में ही मेरा कहीं ना कहीं बल्ला चलना हमारी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। और धोनी और कहीं ना कहीं जडेजा ने जो अंतिम ओवरों में अच्छी कैप्टनसी की, मुश्किलें जरूर बढ़ाई, लेकिन हम इस जीत को हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय? ये तो राय थी
कप्तान राशिद खान की। लेकिन आप क्या सोचते हैं चेन्नईयों की इस हार के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।